हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी 101। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? 101 का मतलब समझते हैं ना आप? 101 का मतलब है वन एंड ओनली वन। तो दिस इज द वन एंड ओनली वन चैनल जहां पर दोस्तों आपकी यूपीएससी से रिलेटेड होंगी सारी जरूरतें पूरी। मतलब ये वो चैनल है जहां पर आपकी आके तलाश हो जाएगी खत्म, है ना। क्योंकि इसके बाद दोस्तों आपका एज सच अगर मैं बताऊं तो बहुत बड़ा कुछ बचता नहीं है। ये वो प्लेटफॉर्म है, ये वो जगह है जहाँ पे आके आपकी सारी जो ज़रूरतें हैं यूपीएससी के सिलेबस से रिलेटेड, यूपीएससी की तैयारी से रिलेटेड, वो अपने आप में आके समाप्त हो जाएगी। ये इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं इस बात का विश्वास दिला रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लगातार हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों क्लास के संडे के अंदर वो कंप्लीट बुक का हम कोर्स डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है। मतलब कि कंप्लीट अप्रोच हम लेके आपके पूरी सामने चल रहे थे, है ना, और चल रहे भी हैं। और इसी अप्रोच के अंदर दोस्तों दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट को मैं देख रहा हूं। पहला इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है दोस्तों वो क्या है मेरा, फर्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है वो रहेगा हमारा द फर्स्ट थिंग इज एनवायरमेंट और सेकंड थिंग इज ज्योग्राफी और तीसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन मैं कवर कर रहा हूं दैट इज गोइंग टू बी कौन सा है तीसरा सेगमेंट दोस्तों, करंट अफेयर। गुरुकुल मैगजीन आपकी आएगी दोस्तों सैटरडे एंड संडे के अंदर, गुरुकुल मैगजीन हम देखोगे। गुरुकुल मैगजीन के अंदर में बेसिकली दोस्तों हम यूपीएससी सीएससी के क्या करने वाले हैं दोस्तों, सारे के सारे कोर्सेज जो हैं उस यूपीएससी सीएससी के कोर्स के लिए हम एक साल का करंट अफेयर आपके साथ में देखने वाले हैं, ठीक है। सो वो भी बहुत जल्दी आपके सामने होगा, बट पहले मैं चाहता हूं दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मजा आ नहीं रहा है दोस्तों, संख्या कम है, मैं नहीं चाहता कि इस संख्या के अंदर मैं शुरुआत करूं, ये आपका भी अपमान होगा, ठीक है। मेरा तो चलो ठीक है, आपका भी अपमान है। संख्या बढ़ाओ, जल्दी से बढ़ाओ, भाव बढ़िया करो। कल बोर्ड में यार थोड़ा भूत आ गया था, लेकिन आज जो है हमने भूत को निकाल फेंका है। कल यार अपने आप स्लाइड चल रही थी, सही में आप लोग सोच रहे हो सर मैं मजाक कर रहा हूँ, अपने आप स्लाइड चल रही थी, ठीक है। बाद में मैंने किया तो बाद में सब सही चल रहा था, है ना। क्या हुआ, क्या रहस्य था उसके पीछे पता नहीं। चलिए जल्दी से मैं टू द पॉइंट बात करूंगा, ठीक है। जल्दी से पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों कुछ बारीक चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी लोग भी पढ़ते हैं यार, लेकिन आपको क्या अलग करना है। बाकी लोग भी करते हैं लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती, ठीक है, वो इतना अच्छा नहीं कर पाते। बाकी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, कई तो नए नए कलाकार भी आए हैं, ठीक है। मतलब पहले पढ़ाते थे वो कुछ और अब मतलब एकदम से उन्होंने ज्योग्राफी शुरू कर दिया, ठीक है। सो नए नए कलाकार भी हमारे सामने आए हैं, नए नए कलाकार एनवायरनमेंट में भी आए हैं हमारे सामने, अलग अलग सब्जेक्ट्स में। मतलब सबकी ठीक है इच्छा है, सबका शौक है पढ़ाना, ठीक है। मैं तो कहता हूँ ज्ञान फैलाओ यार, कम्युनिटी है अच्छी चीज़ है, यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसका इस्तेमाल करो और ज्ञान फैलाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें फैलाओ, ऐसा करो कि बच्चों को समझ में आए, है ना। समझ में आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, एंड द चीज़ों का डिसीजन सेलेक्शन क्या आपके लिए बेटर है, इट दैट इज़ पर्टिकुलरली इन योर हैंड। ये आपके हाथ में है कि आपको क्या पढ़ना है। अगर आपको जंक पढ़ना है तो आप जंक पढ़ सकते हैं, अगर आपको अच्छा कॉन्टेंट पढ़ना है तो आप अच्छा कॉन्टेंट पढ़ सकते हैं, इट्स टोटली इन योर हैंड, ये आपके हाथ में है दोस्तों। सो IAS 2021 गुरुकुल 2.0 ज्योग्राफी, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी यानी कि सुमित राठी। यूट्यूब पे सब मुझे सुमित राठी के नाम से जानते हैं, बट मैं अनअकैडमी पे जाना जाता हूं सुमित कुमार के नाम से, ठीक है। अनअकैडमी में मेरे डॉक्यूमेंट्स के नेम क्या है, सुमित कुमार, तो मुझे वहां सुमित कुमार के नाम से जाना जाता है। ये तीसरी क्लास आपके सामने लेके आया हूं दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना। ज्यादातर टीचर इसके अंदर चार बातें बताते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ये स्फेयर वो स्फेयर, बात खत्म। भाई मेरे पास में मेरे पिटारे में चीजें ज्यादा हैं। एटमॉस्फेयर को हम अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, थोड़ी एक अलग अप्रोच मैं यहां पे आपके सामने रखने वाला हूं, है ना। तो क्या होगी वो अप्रोच, चलिए दोस्तों। गाइज वन मोर थिंग, मैंने बताया आपको IAS गुरुकुल 2021 ये अपना चैनल था, इस चैनल के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से हमने चार अलग अलग चैनल स्टार्ट किए थे। और ये चैनल कौन से थे दोस्तों, ये चैनल्स थे हमारे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे से, देखो कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ज्योग्राफी 101 चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। अगर नहीं किया तो आप पाप कर रहे हो दोस्तों, मैं बता रहा हूं ऊपर वाला देख रहा है और आप पाप किए जा रहे हो। ज्योग्राफी 101, दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ज्योग्राफी। अभी इस पे क्लास नहीं चल रही, बट कोई बात ना, ठीक है, अभी तो यहां चल रही है क्लास, उस पे भी क्लासेस जो है हमारी वो कंटिन्यू रहेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ज्योग्राफी 101 के अलावा ये हमने लॉन्च किया था मैप 101, बट इसको हमने बदल दिया, अब इसका नाम रख दिया यूपीएससी 101। यहां देख रहे हो यही चैनल है, जी हाँ, जिसपे अभी आप हैं वही है करंट अफेयर 101, एनसीईआरटी 101। अभी इनके ऊपर काम समाप्त है, हो रखा है, मतलब हमने नहीं कर रहे, बट बहुत जल्दी जैसे हमारा गुरुकुल प्रोग्राम अच्छे से रन हो जाता है उसके बाद हम कुछ कुछ
कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ नया नया शुरू करेंगे इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। चलिए अनअकैडमी ऐप पे भी तो है, आप अनअकैडमी ऐप पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, यहाँ पर आप मेरे साथ क्विज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्विज कर सकते हैं आप मेरे साथ। स्पेशल क्लास 11 बजे, कौन कौन बच्चा उपस्थित होगा मेरे पास? है क्या दम? अरे है दम 11 बजे क्लास करने का, करंट अफेयर का टेस्ट करता हूं। दम है तो आके दिखाओ भाई, अरे दम है तो आओ, दम है तो ज्वाइन करो। ये दम उनसे कह रहा हूं जिन्होंने वास्तव में सपना देख लिया और अब वो उसको परस्यू कर रहे हैं और उसको काम कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ जुड़ते हैं, 11 बजे भी इस क्लास को करते हैं दोस्तों, सुबह से शाम तक लगे रहे हैं। और प्लस कोर्स की अगर मैं बात करूं तो कल आज मेरे पास मैसेज भी आ गया, मैं दिखा सकता हूं आपको। कल अपना प्लस कोर्स आ जाएगा, सुबह सुबह थंबनेल मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। जिन बच्चों को ज्वाइन कर रखा है उनको सिर्फ एनरोल करना होगा, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उनको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करने के लिए रेफरल कोड की जरूरत होती है, और मेरा रेफरल कोड क्या है? चौधरी साहब का रेफरल कोड है सुमित 10। क्या नाम है? सुमित 10। सुमित 10 इज माय रेफरल कोड। चलिए दोस्तों, एटमॉस्फेयर लास्ट क्लास में पढ़ा था क्या है एटमॉस्फेयर, उसी से मैं दोबारा से शुरू करूंगा। हिंदी इंग्लिश दोनों है, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे। देखो मैं दिखा देता हूं, ये इंग्लिश एंड दिस इज हिंदी, ठीक है? ये इंग्लिश और ये क्या हिंदी, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अंग्रेजी और हिंदी माध्यम दोनों के छात्रों का मैंने यहां पर बहुत बारीकी से रखा है ध्यान, परंतु मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर आप शांति मेरे साथ में बनाए रखें। क्या बनाए रखें? शांति बनाए रखें। वीडियो लाइक हो जाना चाहिए, वीडियो शेयर हो जाना चाहिए सभी बच्चों के पास में, ठीक? अब मेरी बात सुनो और समझो, ठीक है? क्या मैं कहना चाह रहा हूं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर और उसके क्या उसका कॉम्पोजिशन, कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें पाई जाती है। तो हमने देखा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में आर्गन पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है, नियोन, मतलब बहुत सारी चीज हमने देखी, वो सब पाई जाती है, ठीक है? समझ आ रही बात? आर्गन सर कहाँ से आता है? आर्गन आता है सर आपका जो रेडियो एक्टिव डीके होता है पोटेशियम रॉक का, उनसे आता है। मतलब हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली लास्ट क्लास में। अब हम बात करते हैं उस एटमॉस्फेयर का, किस प्रकार से हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, उस एटमॉस्फेयर को कितने टाइप से हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। नॉर्मल आम भाषा में हम क्या कह देते हैं? लोअर एटमॉस्फेयर, अपर एटमॉस्फेयर कह देते हैं ना। तो लोअर और एटमॉस्फेयर और अपर एटमॉस्फेयर ये बिल्कुल आम भाषा है, जो ज्योग्राफी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये हम नॉर्मली बोल देते हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको आम भाषा में थोड़ी सिखा रहा हूं, मैं तो आपको खजूर की भाषा में सिखाऊंगा, ठीक है? अच्छी भाषा में सिखाएंगे व्हाट एग्जैक्टली द एटमॉस्फेयर इज एंड हाउ इट इज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट कंपोनेंट्स, किस प्रकार से हम इसको अलग अलग कंपोनेंट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। सो सबसे पहले एटमॉस्फेयर की परिभाषा, लास्ट क्लास में हमारा डिस्कस हुआ था डेफिनेशन, अगर मैं कहूं तो कैसे होता है, ओरिजिन कैसे होता है, और आखिरी में बाउंड्री कहां तक होता है एटमॉस्फेयर, ये मैंने आपसे बात की थी, ठीक है भाई? ये हमारे पास पृथ्वी है, सपोज दिस इज अवर अर्थ, ये हमारी अर्थ है दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के ऊपर दोस्तों हमारा, अगर मैं ऊपर बात करूं तो एटमॉस्फेयर है, ठीक है? इस पृथ्वी को चारों तरफ से घेरा हुआ है एक एनवलप के द्वारा, और ये एनवलप जो है दोस्तों, दिस एनवलप इज द एटमॉस्फेयर, यही एनवलप जो है, ये लिफाफा जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे होता है, ये एटमॉस्फेयर है, ये वायुमंडल है। इस वायुमंडल में क्या है दोस्तों? इसमें डिफरेंट गैसेस हैं, गैसेस के साथ साथ दोस्तों इसके अंदर क्या उपस्थित है? गैस तो है ही है, और इसके अंदर में क्या है दोस्तों? अलग अलग पार्टिकल, जैसे हमारे डस्ट पार्टिकल है ना, डस्ट पार्टिकल, धूल के कण वगैरह, बहुत सारी अलग अलग चीजें दोस्तों इसके अंदर में विद्यमान है। आपकी किसकी बात कर रहा हूं मैं दोस्तों? एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूं। अब मैं इस एटमॉस्फेयर को डिवाइड करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको इसको, मैं चार तरीकों से डिवाइड करूंगा अलग अलग भागों में, लेकिन आपके लिए जो होगा वो एक ही इंपॉर्टेंट होगा, और वो होगा टेम्परेचर का क्लासिफिकेशन, है ना, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, वो आपके लिए जरूरी होगा। लेकिन हाँ, आपको जानना सारा जरूरी होगा, आपको ना नॉलेज सभी की रखनी है, नॉलेज रखनी आपके लिए जरूरी है। तो एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर को पढ़ने का प्रयास हम यहां पे कर रहे हैं आपके साथ। सो डेफिनेशन क्या है, सो कम टू द डेफिनेशन पार्ट, समझिए डेफिनेशन मैंने कल भी बताया था। एटमॉस्फेयर क्या है दोस्तों? एटमॉस्फेयर इज नथिंग सर, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट गैसेस एंड द डस्ट पार्टिकल, बहुत सारे कणों का और बहुत सारी गैसों का एक मिश्रण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम बोल देते हैं एटमॉस्फेयर, उसको हम बोल देते हैं वायुमंडल। तो वायुमंडल इज नथिंग बट इट इज द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड द डस्ट पार्टिकल, जो हमारे एटमॉस्फेयर में वायुमंडल में जो अलग अलग गैस उपस्थित है, जो अलग अलग बेसिकली आपके धूल के कण उपस्थित है, उन्हीं के कंपोजिशन को, उन्हीं के मिश्रण को हम क्या कह रहे हैं दोस्तों? उसी
के मिश्रण को हम बोल रहे हैं वायुमंडल। क्या बोल रहे हैं? वायुमंडल। सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड फ्लूइड सिस्टम, इसके अंदर गैस और धूल के लटकते हुए कण उपस्थित हैं। ये गैसियस एनवलप एक चद्दर के रूप में बनाता है। ओरिजिन कैसे हुआ सर? मैंने बता दिया, देखो ऐसा नहीं है पृथ्वी उत्पन्न हुई है, पृथ्वी की अपनी एक हिस्ट्री है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, जैसे मनुष्य की हिस्ट्री है जिसको हम पढ़ते हैं एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, हम ऐसे पढ़ते हैं ना, ठीक है। सो इसी प्रकार से दोस्तों इसकी भी एक हिस्ट्री है जिसको हम बोलते हैं जियोलॉजिकल हिस्ट्री। क्या बोलते हैं दोस्तों? जियोलॉजिकल हिस्ट्री, उसको हम बोलते हैं जियोलॉजिकल हिस्ट्री, ठीक है। अब उसकी भी अपनी हिस्ट्री है, लेकिन ये कह रहा है कि पृथ्वी जब से उत्पन्न हुई है ना, ऐसा नहीं है कि जैसे ही पृथ्वी उत्पन्न हो गई उसके बाद तुरंत एटमॉस्फेयर आ गया था, नहीं, एटमॉस्फेयर भी धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो किया है, ठीक है, वो भी धीरे धीरे आया है, अचानक से नहीं आया। सो उसके लिए भी पृथ्वी पर ही वो डेवलप हुआ है, ऐसा नहीं कि वो बाहर से है, वो अर्थ पे ही डेवलप हुआ है। जो आज हम अलग अलग गैसेस देखते हैं, आज जो हम कंपोजिशन देखते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो हम कंपोजिशन देखते हैं लगभग 78%, 21%, ये देखें 0.93%, ये देखें तो 0.3%, तो ये जो है ना ये पृथ्वी पर ही बना, ये कंपोजिशन यही डेवलप हुआ है धीरे धीरे, और इसके लिए बहुत सारी अभिक्रियाएं हुई हैं, और वो अभिक्रियाएं, बहुत सारी अभिक्रियाएं तो केमिकल है और बहुत सारी है बायोकेमिकल, रासायनिक और जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की वजह से इसका निर्माण हुआ है। और ये कैसे हुआ था दोस्तों? इसका कल मैंने इवोल्यूशन पढ़ाया था आपको, कितने बच्चों को याद है कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट लिखेंगे, जिसको याद है कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट लिखेंगे, जिसको याद नहीं है वो बताएंगे मुझे, ठीक है, किस किस को याद नहीं है। और जिसको याद नहीं है मैं रिक्वेस्ट करूंगा पेरेंट्स से कि एक बार जिस जिसको याद नहीं है ना, आप एक बार पूछो याद है कि नहीं है, और अगर वो बोल रहा है कि नहीं मैं भूल गया हूँ, याद नहीं है, मैंने वीडियो ना देखी, तो एक बार मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, एक लगा दो कान के नीचे, इनके हल्का से लगा ना, ज़्यादा तेज नहीं, इनसे पूछो याद क्यों नहीं है, जब कल पढ़ाया गया था तो याद क्यों नहीं है, जब आपको भी आपने भी देखा हो तो आपको भी याद हो सकता है, इतने आसानी से मैंने बताया था, इनको याद क्यों नहीं है। मैंने अलग अलग स्टेज बताई थी इवोल्यूशन के, अलग अलग स्टेज बताई, देखो पहला क्या हुआ था, पहला हुआ था बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी हुई थी, उसके बाद में पृथ्वी ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद में पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, जो कॉस्मिक डस्ट है दोस्तों प्लस जो बहुत सारी गैस थी वायुमंडल में वो आपकी अट्रैक्ट होने लगी पृथ्वी तक, पृथ्वी ठंडी हुई। दूसरे पे क्या हुआ, पृथ्वी बाहर से ठंडी होगी लेकिन अंदर से ज्वालामुखी फटा, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, CO2 निकल के आ गया। तीसरे नंबर पे क्या हुआ दोस्तों, जब वोल्केनो आया इसमें बहुत सारे जलवाष्प थे, वाटर वेपर थे, ये वाटर वेपर जो थे जलवाष्प थे, जब बाहर आ गए धरती से तो ज्यादा दिन तक ये गर्म नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जलवाष्प को अगर वाष्प में रहना है तापमान 100 डिग्री से क्या चाहिए, ज्यादा, लेकिन ऊपर आएगा तापमान बाहर कितना है 30 डिग्री 40 डिग्री, तो वो क्या होगा, कंडेंस, ये जलवाष्प जो है ये कंडेंस होगा, कंडेंस होके मतलब संघनन होगा, और संघनन होगा तो इससे क्या होगी दोस्तों, इससे बारिश होगी, इट विल प्रोड्यूस रेनफॉल, हो गया रेनफॉल। अब रेनफॉल हो गया तो क्या बनेंगे, इससे समुद्रों का निर्माण होता था, कल बताया था, नहीं तो ओके की रिपोर्ट करो जिसको पता है, अरे टूट जाएगी बहन ज्यादा जो उसमें मता, ओके की रिपोर्ट करो, तो यहां से क्या होगा, रेनफॉल ओशियन बन जाएगा। इसके बाद मैंने बताया था तीन नंबर पे हाइड्रोजन, चार नंबर पे सोचता है हाइड्रोजन की निकल लेते हैं, एक नंबर पे जो ये स्टेज है ये एटमॉस्फेयर था, ये एटमॉस्फेयर जो होता है इस स्टेज पे इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। क्यों बोलते हैं रिड्यूसिंग? बिकॉज हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा थी यहां पे, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा उपस्थित था यहां पर। अब हाइड्रोजन चटक लिया, हाइड्रोजन वापिस, हाइड्रोजन चला गया सबसे ऊपर, अभी दिखाऊंगा हाइड्रोजन कहां है, आज दिखाऊंगा हाइड्रोजन की लेयर कहां पाई जाती है ना, क्योंकि हाइड्रोजन बींग द लाइटेस्ट एलिमेंट ये क्या किया, ऊपर चला गया, कह रहा भाई ठीक है बाकी चीजें आने लगी, मेरा काम नहीं है यहां पे, वो ऊपर चला गया, ऊपर गया नंबर तीन चार पे ये हुआ। नंबर पांच पे क्या हुआ दोस्तों, आपके पास नंबर पांच पे जो हमारे पास CO2 थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, वो किसमें स्टोर होने लगी, चट्टानों में, रॉक में, इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और नंबर छह पे सबसे आखिरी में दोस्तों हमारे पास क्या बनी, ऑक्सीजन बनी। इस प्रकार से ये करंट एटमॉस्फेयर हमारे पास में आया, आज भी हम इसमें बदलाव कर रहे हैं। आज हम क्या कर रहे हैं सर, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ हमने फॉसिल फ्यूल को इस्तेमाल करना ज्यादा स्टार्ट कर दिया, और जब से हम फॉसिल फ्यूल ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिक्कत क्या हो रही है कि फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल से ग्रीन हाउस गैस जो है वो ज्यादा बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एमिशन ज्यादा हो रहा है, तो वो अपने आप में एक अलग से समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, याद होगे तो बताओगे ओके की रिपोर्ट है सर, और याद नहीं होंगे तो बताओगे सर कि अब कर लिया, कल याद नहीं था बट आज समझ में आ गया, और आज के बाद में हम गलती नहीं करेंगे, मां कसम खानी है आपको, ठीक है। अच्छा तीसरी हम बात करेंगे दोस्तों किसकी, बाउंड्री की, क्या उसकी बाउंड्री है, नहीं भाई एटमॉस्फेयर की कोई बाउंड्री नहीं है,
पृथ्वी और सूर्य के उसके बीच में ट्रांजिशनल जोन होता है, मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। ये कल हमने बात कर लिया था। हिंदी भाषा की भी बात अगर मैं करता हूं तो हिंदी भाषा में भी देखो, परिभाषा मैंने आपको बता ही दी थी, मूल कहां कहां तक है, ये सब कल मैं बता चुका था। आज मैंने हिंदी वाली बात भी यहां पर रख दी है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए, कोई भी बात हो तो बताओ सर, बताइए कमेंट बॉक्स में, देख रहा हूं, ठीक है। इधर उधर की बात जो भी करेगा सीधा बकवास मार दूं, सीधा मैं ब्लॉक कर दूंगा। और सुनो, अगर कोई बकवास करता भी ना कमेंट बॉक्स में, ये चैनल मेरा अकेले का नहीं है, ये चैनल आपका, ये चैनल नहीं है, एक परिवार है, ठीक है। और अगर कोई इधर उधर की बात करता है तो उसको तुरंत प्रसाद दे दो और मेरे को बता दो, इधर से ब्लॉक कर देंगे, सीधी बात है, समझ रहे हो। बढ़िया हेल्दी बातें होनी चाहिए, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाना है। आप कहते हो ना सर ऑफलाइन में ना माहौल बहुत अच्छा होता है, माहौल यहीं बना देंगे, आप बनाओ तो सही, आप पढ़ाई की बात करो, अच्छी अच्छी बात करो। मैं देख रहा हूँ इसमें कई लोग बेबी ये वो फलाना ढिमकाना करते रहते, उनको प्रसाद दो, तुरंत की तुरंत प्रसाद दो, ठीक है। उनको तुरंत के तुरंत क्या दो, प्रसाद दो उनको, आप मुझे बताओ उसको, फिर हम बढ़िया प्रसाद देंगे, ठीक है ना। सो एक बार जल्दी से मैं चाहूंगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं किसी बच्चे का कोई डाउट है यहां तक तो कृपया वो मुझसे पूछ ले, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूं आज के इस लेक्चर के साथ में, ठीक है। डन, मेरे हिसाब से सब ओके की रिपोर्ट है। मैं चाहूंगा एक बार शेयर करो यार, ठीक है। देखो यार मेरे पास ना दिखता है शेयर, मतलब एक पोस्ट मैं करता हूँ 4,000-5,000 बच्चे देखते हैं उसमें एक शेयर करता है उसको, मेरे पास स्टैटिस्टिक्स पूरी दिख जाती है। 60% लोगों ने नोटिफिकेशन को म्यूट किया हुआ है, पता नहीं क्यों भाई। जब एक बार बताओ आपने ग्रुप ज्वाइन किया टेलीग्राम, और अगर आपको नोटिफिकेशन, अगर आपको साइलेंट ही करनी है, आपको नोटिफिकेशन रखनी नहीं है, तो मैं ये सोचता हूँ कि फिर आपने वो ज्वाइन ही क्यों किया है, ठीक है, फिर उसको ज्वाइन ही मत करो। और इन चीज़ों को किया करो यार, शेयरिंग इज केयरिंग। आप सोचो आप तक भी तो चैनल किसी प्रकार से पहुंचा होगा ना, अगर ये चैनल किसी और के पास पहुंचता है तो उसका भी भला होगा, उसका भी भला होगा, है ना। देखो मैं तो चाहता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाऊँ, मैं चाहता हूँ जैसे आप अच्छा फील कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फील करें, ज्योग्राफी सबकी आसान हो। इसमें यार शेयर करो इसको, शेयर करने से कुछ घटता नहीं है, कुछ बिगड़ता नहीं है। और देखो आप ही तो मेरे चीते हो, आप ही मेरे चीते हो जो पूरी तरीके से गुरुकुल प्रोग्राम और अपनी सफलता के लिए जीते हो, नहीं है, गलत बोल दिया, गुरुकुल नहीं बोलना चाहिए, अपनी सफलता के लिए जीते हो। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हिंदी माध्यम में छात्रों के लिए, आज मैं बात करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। सर एटमॉस्फेयर को आप कैसे कैसे बांट सकते हो, कितने वर्गों के अंदर विभाजित कर सकते हो, एटमॉस्फेयर को किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हो। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ओवर इट कि कैसे हम इसको बांट सकते हैं। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देखो एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर इसको हम चार भागों से, चार प्रकार से बांट सकते हैं। देखो पहला होगा कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब क्या है, रचना। किसी का नाम होगा यहाँ पे, कौन है रचना जल्दी बताइए। कंपोजिशन का मतलब है रचना, कि उसके अंदर क्या क्या है, ठीक है, रचना के आधार पर। हिंदी में भी है, टेंशन मत लो। रचना के बाद दूसरा है अर्चना के आधार पर, तीसरा है परचना के आधार पर, है ना, इस प्रकार से बहुत से आधार हैं। तो पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, दूसरा हो गया मित्रों ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, तीसरा हो गया सर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कीमोस्फेयर कहते हैं उसमें, हम बताऊंगा आगे पढ़ाऊंगा। और इसके बाद मैंने बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनोस्फेयर का नाम सुना, हाँ जी कुछ ऐसा ही मैं बोल रहा हूँ। तो कंपोजिशन, टेम्परेचर, केमिकल रिएक्शन, आयोनाइजेशन, तो इन चार आधार पे, कितने आधार पे दोस्तों, चार आधार पे। तो आज आपने जान लिया सर कि एटमोस्फेयर का डिवीजन हम कितनी प्रकार से पढ़ाते हैं सर आपको, हम आपको बच्चों चार प्रकार से पढ़ाते हैं। पहला कंपोजिशन के आधार पर, दूसरा टेम्परेचर के आधार पर, तीसरा केमिकल रिएक्शन के आधार पर, चार नंबर पे क्या है, आयनाइजेशन के आधार पर, ठीक है। अब अंजलि सोच रही है सर ये तो आग लगी हुई है, मतलब सब प्रेजेंटेशन आपने चेंज कर दी, सब चीज़ चेंज कर दी, है ना। देखो मैं हर जगह पे, चाहे प्लस पे पढ़ाऊँ चाहे मैं पढ़ाऊँ आपका यूट्यूब पे, मैं बेस्ट ही करता हूँ, ठीक है। मेरे बस की वो नहीं है कि मैं गोली दे दूँ, मैं बच्चों को कहूँ भाई यहाँ इतना कर लो, अब प्लस पे आओ वहाँ पढ़ाऊँगा, अपने बस की नहीं है भाई। जो बच्चा पढ़ेगा उसको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। मैं, मेरी जो बात है ना वो बात है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप 50% यहाँ ये समझ लो, ये 50% अगर मैं कर रहा हूँ तो इसके बाद प्लस पे 100% है, ये बात मैं सुनिश्चित कर रहा हूँ। अब उसमें मैं कुछ अलग करूँगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें अलग होता है दोस्तों, वो क्या होता है, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, ठीक है। उसमें फील आती है वो, उसमें डाउट क्लास अलग से होती है, उसमें आपके कमेंट सारे मैं पढ़ पाता हूँ, उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो दैट इज़ लाइक एन ऑफलाइन फील। और लेकिन ऑफलाइन में भी ऐसा कि बस आप ही पढ़ रहे हो, बाकी कोई नहीं पढ़ रहा, उसमें हर एक स्टूडेंट के ऊपर पर्सनल अटेंशन होता है, ठीक है। तो आप चिंता मत करिए बिल्कुल भी अंजलि,
टेंशन मत लो, आपका जो होगा जो हम वहां पे करेंगे जो प्लस पे करेंगे वो भी आग लगाऊ सेशन होगा, टेंशन मत लो, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात पे, ठीक है। ये बात मेरी रिकॉर्ड करके रख सकते हो आप, बाद में मेरे से देख लेना। यहाँ इतना अच्छा कर रहा हूँ, इससे ज्यादा अच्छा, मतलब इससे ज्यादा अच्छा क्या मतलब, वहां पे और अच्छा हो जाएगा क्योंकि वहां पर इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है। चलिए चलिए कोई बात नहीं, टॉपिक पे आते हैं। रचना के आधार पर, दूसरा तापमान के आधार पर, तीसरा केमिकल रिएक्शन के आधार पर, और चार नंबर पे है हमारा आयोनाइजेशन के आधार पर। सो इन चार आधार के ऊपर हम एटमॉस्फेयर को डिवाइड करते हैं। तो स्ट्रक्चर जो है हमारे एटमॉस्फेयर का, उस चार प्रकार से हम बांट सकते हैं। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए दोस्तों क्या है, हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए वायुमंडल है ना, हमारे अलग अलग टीचर अलग अलग प्रकार से बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं अभिषेक सर की, तो अभिषेक सर कैसे बोलते हैं, हिंदी माध्यमों के छात्र, वो थोड़ा सा जोर लगाते हैं, गले पे नाक पे जोर देते हैं। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए ये हो गया वायुमंडल, ये हो गया है रचना के आधार पर एक बार बांटेंगे, दूसरा हम बांटेंगे तापमान के आधार पर गाइज, तीसरा हम बांटेंगे रासायनिक प्रतिक्रिया के आधार पर, और चौथा हम बांटेंगे आयनीकरण के आधार पर। मतलब थोड़ा जोर देते हैं, पंकज सर थोड़ा सा स्लो स्लो करते हैं, वो ऐसे से बोलते हैं, रुक रुक के बोलते हैं, और इस प्रकार से समझाने की आपको कोशिश करते हैं कि वायुमंडल को चार प्रकार से हम बांट सकते हैं। और वो चार प्रकार कौन से होंगे गाइज, वो चार प्रकार होंगे रचना के आधार पर, वो चार प्रकार होंगे तापमान के आधार पर, वो चार प्रकार होंगे रासायनिक प्रक्रिया के आधार पर, और एक होगा आयनीकरण के आधार पर, ठीक है। अर्चित सर थोड़ा फास्ट लेते हैं, खींच के लेते हैं, वो जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता है ना, जैसे जैसे उनकी गाड़ी गर्म होती है वो तेज हो जाते हैं। रचना के आधार पर, तापमान के आधार पर, रासायनिक आयनीकरण के आधार पर खींच के लेते हैं, ठीक है। ठीक ठीक, रचना ठीक ठीक, तापमान ठीक, ऐसे चलता है ना ऐसा ही होता है ना भाई, नहीं बताओ मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ। और प्रवीण सर तो फिल्मी दुनिया में रहते हैं, आज मैं देख रहा था, पता नहीं कौन सा केजीएफ वाला स्टाइल कर रहे थे वो, ठीक है। वैसे वो लड़के से ऐसे बाल वाले ऐसे करवा रहे थे, मैं कहा भाई क्या ही चल रहा है भाई यहाँ पे नहीं अच्छा मैं कैसे करता हूँ वो बताओ, अब किसी दिन मेरी मिमिक्री कौन करके दिखाएगा। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी मिमिक्री जो करे प्लीज़ मेरे को वो वीडियो ज़रूर पोस्ट करे, मैं चाहूँगा आप इसको चैनल पे मैं डालूँ। एक बार जो भी बच्चा है मैं कैसे पढ़ाता हूँ एक बार जो है अगर आप लोग कर सकते हैं तो आप मुझे करके ना वो वीडियो जरूर भेज दें मुझे ना, इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं मेरे, आपका जो टेलीग्राम है यहाँ पे भेज सकते हो, या मुझे आप भेज सकते हो कहाँ पर दोस्तों, वहाँ पर मेल पे भेज। अच्छा मेल पे यार एक बच्चा है उसने एक बहुत अच्छा स्केच तैयार किया है, ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, उस स्केच को मैं दिखाऊंगा, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा प्यारा स्केच बनाया यार मेरा, थैंक यू यार, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्त। तो ये चार हो गए, अब देखो एक एक करके हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने बांटा किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, रचना, मतलब क्या है उसमें। इसमें मैंने दो भागों में बांट दिया, पहला बांट दिया होमोस्फेयर, नाम से ही पता चल रहा, होमो मतलब सेम, होमो मीन्स वॉट, होमो मीन्स सेम, और दूसरा जो है मेरे पास दैट इज द हेट्रोस्फेयर। हेट्रो का मतलब क्या है, डिफरेंट, नहीं है बताओ, आप बताओ मैं झूठ बोल रहा हूं क्या। अरे होमोस्फेयर का मतलब क्या है, सेम, और हेट्रोस्फेयर का मतलब क्या, अलग। देखो ये है मेरी पृथ्वी, ठीक है, ये मेरी है पृथ्वी, ये अर्थ। मेरे को एक टीचर पढ़ाते थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे, ठीक है, वो बहुत बढ़िया केमिस्ट्री पढ़ाते थे, ललित हुड्डा नाम था उनका, जबरदस्त टीचर थे यार, ठीक है, जबरदस्त टीचर थे। मतलब वो टीचर कम उसको, वो क्लास में जब आ जाया करते तो आधे बच्चे वैसे ही फैन हो जाते थे, एकदम मॉडल टाइप दिखते थे, तो मतलब फैन हो जाते, आधी से ज़्यादा क्लास फैन होती थी। मतलब पढ़ाना तो बाद की बात है, कहते हैं ना प्रेजेंटेशन अच्छे हो, खाना अगर आपने सुंदर तरीके से जमाया हो तो वैसे आधा मजा तो वैसे ही आ जाता था ना। तो जब वो क्लास में पढ़ते थे ना तो वैसे ही केमिस्ट्री अच्छी लगने लग जाया करती, ठीक है। तो वो बताया करते, वो जब केमिस्ट्री पढ़ाते तो कहते थे मेरा हाइड्रोजन और आपकी हीलियम। मैं इस बात से गलत मान जा, मैं इससे मतलब ऑफेंसिव हो जाता था, मैं कहा सर हीलियम आपकी है, मेरा तो हाइड्रोजन है, ठीक है, मेरा हाइड्रोजन है, आपका क्या है सर, आपकी हीलियम है। वो ऐसे ही बोलते थे, ये मेरा हाइड्रोजन है, ये आपकी हीलियम है। तो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के ऊपर मैं क्या कह रहा हूँ, पृथ्वी के ऊपर हमारा एटमॉस्फेयर है ना, इस पृथ्वी के ऊपर क्या है मित्रों हमारा, ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, दिस इज द एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर को ना मैं दो तरीकों से बांट रहा हूँ। पहला मैं कैसे बांट रहा हूँ मित्रों, ध्यान से देखना, पहला जो डिवीजन मैं कर रहा हूँ आपके समक्ष
वो डिवीजन मैं कर रहा हूं ये वाला, ठीक है। पहला मैं ये डिवीजन कर रहा हूं और दूसरा मैं ये डिवीजन। इस डिवीजन को मैं नाम क्या दे रहा हूं मित्रों, इस डिवीजन को मैं नाम दे रहा हूं आपका हेटरोस्फेयर। ध्यान से देखना इसको, क्या दे रहा हूं नाम, हेटरोस्फेयर। इसको मैं नाम क्या दे रहा हूं दोस्तों, होमोस्फेयर। समझ में आ जाएगा एक मिनट के अंदर। ये जो है ये कहां तक है दोस्तों, ये पृथ्वी की सतह धरातल है, मतलब ये 0 किलोमीटर से लेकर ये 88 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कहां तक, ये 88 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ये जो है हेटरोस्फेयर दोस्तों, ये यहां से यहां तक है। यहां से यहां का मतलब क्या है, 88 किलोमीटर से ऊपर प्रभु की इच्छा तक। ऊपर कहां तक है सर आप पूछोगे, तो मैं लिखूंगा कि जगराता प्रभु की इच्छा तक है, ठीक है, प्रभु की इच्छा तक, ठीक है। सो आप देखिएगा दोस्तों कहां से कहां चल रहा है दोस्तों, इट स्टार्ट फ्रॉम 0 to 88 किलोमीटर। एंड यहां पर अगर मैं हेटरोस्फेयर की बात करूं तो ये 88 से कहां तक फैला हुआ है दोस्तों, 88 से आपका प्रभु की इच्छा तक, मतलब जहां तक जा रहा है जाने दो, अपने कोई दिक्कत नहीं है। अब होमोस्फेयर का नाम मतलब, देखो होमो मींस क्या होता है, देखो होमो मींस होता है दोस्तों सेम, और हेटरो का मतलब ही क्या होता है, ये सिखाया है हमें। हेटरो का मतलब क्या होता है मित्रों, डिफरेंट। हेटरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, है ना, अलग अलग। ये वो भाग है होमोस्फेयर, ये पृथ्वी के नीचे टच में लगता हुआ ये वो भाग है जहां पर जितनी भी गैस आपके पास होती है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, पियोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब एक होमोजीनियस मात्रा में होती है, मतलब सब बराबर बराबर कंसेंट्रेशन में होती है। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता कि भाई तू ऑक्सीजन है तो यहाँ ज्यादा मिलेगी, तो हाइड्रोजन है। यहाँ पर सारी हवाएं जो हैं, जो सारी गैस है दोस्तों, वो एक मिश्रण के अंदर में मिलती है, ठीक है। यहाँ गैस जो है यहाँ पर एक मिश्रण में मिलती है, ठीक है। तो ये मिश्रण है, यहां पर यूनिफॉर्म मिक्सचर होता रहता है। यहां हवा चलती है ना, तो हवा से क्या है, सारी हवा मिलके रहती, घुल के। तो आप यहां पे हवा का कोई भी सैंपल उठाओगे, उसमें सारी गैसों का जो प्रोपोर्शन है, अनुपात है, वो बराबर मिलेगा। इसीलिए मैंने इसको नाम दिया होमोस्फेयर। होमोस्फेयर क्यों, क्योंकि जितनी भी गैस है, जितनी भी हमारे पास धूल के कण है, पार्टिकुलेट मैटर है, सबके सब दोस्तों यहां पर क्या है, एक निश्चित अनुपात में है, एक समान अनुपात में उपस्थित है। इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं क्या, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं दोस्तों होमोस्फेयर। मत पड़ो चक्कर में, गुरुकुल 2.0 के कोई नहीं है टक्कर में, गारंटी दे रहे हैं हम इस बात की। तो आ जाओ दोस्तों, सभी बच्चे शेयर भी करो। होमोस्फेयर ये हो गया। होमो मतलब क्या होता है दोस्तों, होमो मींस सेम। होमो मींस क्या है, सेम। यहां सबका प्रोपोर्शन आपका क्या होता है, सेम होता है। जितनी भी गैस यहां उपस्थित होती है वो समान अनुपात में यहां पे उपस्थित होती है। दूसरा आ जाता है मेरे पास दोस्तों हेटरोस्फेयर। क्या आ जाता है मेरे पास, हेटरोस्फेयर। व्हाट अबाउट द हेटरोस्फेयर, देखो हेटरोस्फेयर में ना लेयर बनती है अलग अलग। सबसे नीचे जो होगी वो सबसे भारी गैस उपस्थित होगी, उसके बाद उससे हल्की गैस उपस्थित होगी, उससे बाद उसके हल्की गैस, और उससे बाद उससे हल्की गैस। सबसे नीचे जो गैस हमारे पास उपस्थित होती है, गैस पूरी, वो कौन सी होती है दोस्तों, वो होती है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन गैस बनती है। तो 88 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक का एरिया जो है वो नाइट्रोजन गैस ने कवर किया हुआ है। अब 200 से लेकर दोस्तों 1133 किलोमीटर तक, भाई साहब यहां पर ऑक्सीजन ने अपना दबदबा बनाया हुआ है। अब इससे ऊपर अगर मैं चलता हूं, यहां से ऊपर अगर मैं चलता हूं दोस्तों, तो यहां पर आ जाती है फिर आपकी हीलियम, ठीक है, और यहां पर आ जाता है मेरा हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन ये 3520 किलोमीटर से लेकर ऊपर ये फिर से प्रभु की इच्छा तक जाता है, और ये 3300 से लेकर कितना है, 3530। अच्छा, ऐसे लेयर बनती है, मतलब इसकी लोअर लेयर अगर देखोगे ना यहां पर, इसके बाद यहां पर, तो यहां पर सिर्फ एक गैस मिलेगी, वो क्या है, नाइट्रोजन। तो यहां पर आप देख रहे हो ना, यहां पर गैसेस का क्या है दोस्तों, स्ट्रेटिफिकेशन है, मतलब अलग अलग प्रकार की गैस अलग अलग उसमें आपका अनुपात में उपस्थित है। जैसे हमने देखा पहला क्या है, पहला मैं दिखाया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद दूसरा गैस कौन सा उपस्थित है आपका, दूसरा गैस ये रेड कलर से दिखा रहा हूं, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद हीलियम, फिर हाइड्रोजन, इस प्रकार से। अगर बात समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट चाहिए। लड़कियां ज्यादा है यहां, लड़कों को फर्स्ट टाइम आईसी एनीवेयर इन इंडिया। अब्राहम लिंकन क्या कह रहे हो, जल्दी बताओ फटाफट दोस्तों, जल्दी जल्दी। ये देखो भावना 09 ये लिख रहे हैं, हेलो कामरान गुड मॉर्निंग, कैसे हो, ये गुड मॉर्निंग है, हैं जी। न जाने कौन सा नशा करता है, वो गाना फिट बैठ रहा है आप पे, है ना। ये गुड मॉर्निंग है, भरी रात में तुम्हें गुड मॉर्निंग दिख रही है। कई लोगों की गलती नहीं है, वो अभी अभी उठे ही हैं, जरा जगे हैं अभी, वो तो उनको लग रहा है कि गुड मॉर्निंग ही चाहिए, ठीक है। सही है यार, सही है। लड़कियां यहाँ ज़्यादा इसीलिए क्योंकि आजकल लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है।
ऐसा लगता है कि लड़कियां जो है ना अपने वर्चस्व को वो मनवा के रहेंगी, स्थापित करके रहेंगी, इस बात में कोई दोराय नहीं है, है ना। लड़कियों के बारे में हमारी कभी से एक भावना रही है कि मतलब ये घर का काम करेंगी, लेकिन अब ये घर का काम भी कर रही हैं, मतलब ये जिम्मेदारी से तो पीछे। लड़की वास्तव में यार मल्टी टैलेंटेड होती हैं, मैं इस बात को मैं मानता हूँ, ठीक है। अपने घर में देखो, बहन को, मम्मी को, वो सारा काम करती हैं, घर का भी करती हैं और फिर पढ़ भी लेते हैं, जो भी है कर लेते हैं। मतलब हमसे अगर घर का काम करवा लो ना थोड़ा बहुत भी, तो आप काम नहीं, आप पढ़ोगे नहीं, गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन लड़कियाँ दोनों काम करती है, तो इस बार जो है मामला आर पार का है। मैं तो कहता हूँ टेक इट इन अ पॉजिटिव स्पिरिट्स, और आप भी करके दिखाओ ना, आप भी करके दिखाओ और सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करो, ठीक है। आपके परिवार में कोई है गर्ल्स जो पढ़ना चाहती है, ठीक है, उसको सपोर्ट करो यार। बहन हो आपकी, कोई दोस्त हो आपकी, ठीक है, कोई रिश्तेदारी में हो आपके और वो पढ़ना चाहती है, तो उसको सपोर्ट करो यार, ठीक है, ज़रूरी है, है ना। आप और हम ही हैं जो एजुकेटेड लोग हैं, उनको करना पड़ेगा। और साथ साथ में देखो, ये लड़कियों की वर्चस्व की भी लड़ाई होती है, आपको भी साबित करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ आप कर सकती हैं, है ना। आप सारे पेरेंट्स, अगर कोई भी पेरेंट्स, एक पेरेंट्स भी अगर देख रहे हैं मेरी बात को और अगर उन्होंने अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए मौका दिया है, तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने उनको एक मौका ग्रांट किया, आपने उनको एक मौका दिया कि वो भी अपनी इस जिंदगी के अंदर एक अलग पहचान बना सके। तो आप बहुत धन्य हैं, आपके विचार बहुत महान हैं और मैं चाहूंगा कि आप ही के विचारों से और भी लोग प्रेरित हों और इस मुहिम को और आगे लेके जाएं। लड़कियां दोस्तों, अगर हम बात करें गर्ल्स एंड बॉयज, 50% जनसंख्या जो हमारी क्या है, लड़कियां, बट स्टिल हम उनको एक अलग उस मार्जिनलाइज तरीके से देखते हैं कि वो पढ़ाई नहीं कर सकती, ये नहीं। नहीं भाई, अब लड़ाई दूसरी है, ठीक है। और मैं तो ये नहीं कहता कि ठीक है आप एक पॉजिटिव स्पिरिट्स में लो, बच्चे भी इसको, लड़के भी लो, लड़कियां भी, और कुछ करके दिखाओ, ठीक है, कुछ करके दिखाना है। समझ में आ रही बात आपको? इंग्लिश में ग्रीटिंग के लिए गुड मॉर्निंग बाय 24 यूज़ कर सकते हैं कभी, प्लीज़ डोंट गेटिंग अदरवाइज। ओके प्रियंका सिंह, मैं अच्छा, ये इंग्लिश का ज्ञान मुझे कम है, मैं अंग्रेज तो खैर नहीं हूँ, ठीक है, और मैं बिल्कुल बुरा भी नहीं मानूंगा। अब ये बात मुझे अभिषेक सर से पूछनी पड़ेगी कि क्या इंग्लिश के अंदर हम जो है 24 घंटे गुड मॉर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम उन्हीं से पूछेंगे। तो समझ में आ गई ये बात? अच्छा, ये बात समझ में आ गई तो मुझे ओके की रिपोर्ट कर दो। हमने एटमॉस्फेयर को दो तरीकों से बांट दिया, एक तो होमोस्फेयर, दूसरा हेट्रोस्फेयर। होमोस्फेयर का मतलब वो इलाका जहां पर वायु आपकी मिश्रण में मिलती है, मतलब यहां पर हवा तेज चलती है और टर्बुलेंट मिक्सिंग होती है यहां पर, ठीक है, यहां पर हवा मिक्स रहती है। आप यहां पर कोई भी हवा का सैंपल लोगे, उसमें ऑक्सीजन, कहीं से भी आप जाके देख लो, इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, वाइड्रोजन सब सेम अनुपात में पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं होमोस्फेयर। क्या बोलते हैं? होमोस्फेयर। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं हेट्रोस्फेयर, हेट्रोस्फेयर एक वो इलाका है दोस्तों जहां पर ये सेम अनुपात में नहीं मिलता, यहां पर जो गैस है वो अपने आप को अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट लेयर के अंदर अरेंज करती है। जैसे पहली लेयर होगी हमारे पास नाइट्रोजन की, 88 से लेकर 200 किलोमीटर तक आपका नाइट्रोजन मिलता है, उसके बाद है ऑक्सीजन, ठीक है, उसके बाद है हीलियम, उसके बाद है हाइड्रोजन। ये बात क्लियर है? कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट चाहूंगा, वीडियो को लाइक करवाऊंगा और शेयर करवाने के लिए आपसे बोलूंगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, सर कंपोजिशन के आधार पे अभी बताया होमोस्फेयर और दूसरा क्या हेट्रोस्फेयर। भाई होमोस्फेयर फिर से इधर देख लेते हैं, देखो इधर देख लेते हैं, इधर बना के चलते हैं, इधर बात करके चलते हैं, इधर रख के चलते हैं, बना के चलते हैं दोस्तों हम अपना, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों क्या हो गया हमारे पास, ये होगी अर्थ, ये होगी मेरे पास पृथ्वी, ठीक है, आधी दिखा रहा हूं। अब पृथ्वी के ऊपर यहां पर क्या होगा दोस्तों हमारे पास, ये हो गया एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर दो भागों में बांट दिया, देखो पहला भाग जो होगा वो छोटा है, ठीक है, ये जो भाग है जीरो से लेकर कहां तक है दोस्तों, ये जीरो से लेकर 88 किलोमीटर है, होमोस्फेयर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये 88 किलोमीटर तक फैला हुआ है सरफेस से, सतह से, धरातल से दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ यहां से कितना किलोमीटर है दोस्तों, ये धरातल, ये सरफेस है मेरे पास, ये जीरो से लेकर ये 88 किलोमीटर तक है, और ये 88 किलोमीटर से ऊपर है आपका, इसको मैं बोल रहा हूं आपका होमोस्फेयर। क्या बोल रहा हूं मैं इसको? होमोस्फेयर। इसको मैं बोल रहा हूं दोस्तों आपका हेट्रोस्फेयर, ठीक है। ये जो है दोस्तों आपका, ये ऊपर 88 से इसके ऊपर ये हेट्रोस्फेयर होगा। होमोस्फेयर में कह रहा है कि यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ गैसेस, जितनी भी गैस मेरे पास है उपस्थित है वो सारी की सारी यूनिफॉर्म मिक्सचर में मिलती है। मतलब आप कहीं पे भी जाके देखोगे यहां पे जो वायु का अनुपात है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हीलियम का, हाइड्रोजन का, वो समान अनुपात में पाया जाता है यहां पर। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर प्रेजेंट इन द होमोजीनियस
वे, सबकी सब होमोजीनियस वे में आपका पाई जाती है, सबकी सब एक बहुत अच्छे तरीके से अरेंज होती है, यहाँ पर मिश्रण जो है मिश्रित अवस्था में पाई जाती है। दूसरा आता है हेट्रोस्फेयर, हेट्रोस्फेयर इसके ऊपर है दोस्तों, दिस इज हेट्रोस्फेयर, ये इसके ऊपर जो है आपका ये क्या है दोस्तों, दिस इज हेट्रोस्फेयर, इसकी बात करूंगा मैं। हेट्रोस्फेयर जो है इज बेसिकली प्रेजेंट अबाउट द 88 किलोमीटर, 88 किलोमीटर के ऊपर जो है यहां पर आपका एक क्या पाया जाता है दोस्तों, बेसिकली इट इज हेट्रोस्फेयर, ये हेट्रोस्फेयर होता है दोस्तों। और इस हेट्रोस्फेयर में अगर मैं बात करूं, दिस इज कंपोजिशन इज नो एंड लॉन्गर यूनिफॉर्म, यहां पर जो कंपोजिशन होता है ना आपका, दैट इज नॉट यूनिफॉर्म, मतलब यहां सारी गैस एक मिश्रण में नहीं मिलती आपको, यहां अलग अलग लेयर मिलती है, अलग अलग गैस की अलग अलग लेयर जो है प्रेजेंट होती है। आप कहोगे सर हिंदी में बताओ, लो हिंदी में भी आ गया, विभिन्न गैसों की अलग अलग परतें मौजूद होती है। अब रचना यूनिफॉर्म नहीं होती यहां पर, ठीक है, रचना यूनिफॉर्म नहीं पहन के जाती, ध्यान से रखना यहां पर, इसमें होमोस्फेयर में रचना यूनिफॉर्म पहन के जाती है और यहां पे वो यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाती क्योंकि हेट्रोस्फेयर है, 0 से 88 के ऊपर, ये बात याद रखना। अब अलग अलग लेयर कौन कौन सी है सर, अलग अलग लेयर कौन कौन सी है, वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी अगर मैं बात करूं, ये हमारे एटमोस्फेयर की 88 किलोमीटर है, ठीक है, ये हमारी 0 किलोमीटर था, ये मान लिया मैंने। अब ये 0 किलोमीटर ये क्या था मेरे पास, सरफेस, सरफेस को हिंदी में क्या बोलेंगे मित्रों, धरातल बोलेंगे, तो ये धरातल था मेरे पास। अब 0 से 88 और 88 से ऊपर गए हम, तो 0 से 88 तो हो गया खत्म, छोड़ दो बात को, उसकी तो बात ही नहीं करते। अब मैं 88 से ऊपर बात कर रहा हूं दोस्तों, पहली लेयर मेरे पास जो आई है वह 88 से 200 किलोमीटर, कितने हैं दोस्तों, आवाज नहीं आई मुझे सर, आवाज कैसे आएगी, अरे आवाज आ सकती, कमेंट बॉक्स में आवाज आती है मुझे, ठीक है, जल्दी बताओ कितने से कितना है दोस्तों, ये 88 से लेकर कितने किलोमीटर तक का है, 200 किलोमीटर तक का है। यहां पर कौन सी गैस प्रेजेंट होती है दोस्तों, पता है आपको, ये जो इलाका है ना, ये आपका मॉलिकुलर नाइट्रोजन का इलाका है, किसका है, मॉलिकुलर नाइट्रोजन, लिख दूं मतलब यहां पर मॉलिकुलर नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है, मतलब N2 पाया जाता है यहां पर, तो N2 गैस 88 से 200 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद में मेरे पास एक और लेयर आ जाती है, और वो एक और लेयर जो है मित्रों वो कहां से कहां तक है, वो 200 से लेकर वो 1125 तक है, 1125, अरे ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेयर कौन सी है दोस्तों, बेसिकली दिस लेयर इज नोन एज द एटॉमिक ऑक्सीजन लेयर। यहां पर क्या होता है, यहां पर एटॉमिक ऑक्सीजन पाई जाती है, O2। अभी ध्यान से समझना थोड़ा सा, एक स्ट्रेटोस्फेयर होता है हमारे पास, आगे पढ़ाऊंगा, स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है वो होता है, स्ट्रेटोस्फेयर नहीं, थर्मोस्फेयर जो होता है वो होता है 80 से लेकर 450 किलोमीटर तक, ठीक है, उसमें जब तापमान सडनली बहुत बढ़ जाता है, अब आधे सारे बच्चों को पता ही नहीं चलता उसमें तापमान क्यों बढ़ता है दोस्तों, तापमान इस एटॉमिक ऑक्सीजन की वजह से बढ़ता है। आपको पता है ना O3 क्या होता है, ओजोन, क्या होता है, ओजोन, O3 होता है ना। अब ये ओजोन हमारे पास सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, यूवी रेज है, उनको क्या करता है, रोकता है, क्यों, क्योंकि ये उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब क्योंकि O3 एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को, इसलिए जहां ये प्रेजेंट होगी ना O3, वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा। और O3 कहां प्रेजेंट होता है आपका, ये प्रेजेंट होता है आपका ऑलमोस्ट 30 से लेकर 50 किलोमीटर के आसपास में, तो इसलिए वहां पर भी तापमान क्या होता है, ज्यादा। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, अगला कॉन्सेप्ट है मेरा, ये मेरा अगला कॉन्सेप्ट है, आगे पढ़ाऊंगा, अभी इसका सस्पेंस में खराब नहीं करूंगा आपके सामने। सो 200 से लेकर दोस्तों 1125 किलोमीटर तक मेरे पास क्या पाई जाती है, एटॉमिक ऑक्सीजन पाई जाती है। उसके बाद अगर मैं आगे चलूं दोस्तों, तो 1125 से लेकर 3540 किलोमीटर तक मेरे पास हीलियम की लेयर पाई जाती है। इसे एक ऊपर और चले जाओ, है ना भाई, और ऊपर चला गया मैं इसे, तो और ऊपर जब मैं जाऊंगा ना मित्रों इसके, तो और ऊपर मैं जब गया इसके, तो यहां से कितना जाना है मुझे, अब 1125 से 3540, और इसके ऊपर अगर मैं जाता हूं तो 3540 से प्रभु की इच्छा तक एक और लेयर बन जाती है। अब इन लेयर का नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये एटॉमिक ऑक्सीजन की थी, अब ये किसकी आ गई दोस्तों, ये हीलियम की लेयर आ गई, और ये किसकी लेयर आ गई, हाइड्रोजन की लेयर। तो ये आपको बातें क्या करनी है, याद रखनी है, जो मैंने आपके समक्ष बताई है, ये मैंने आपके समक्ष पढ़ाई है। हेट्रोस्फेयर के अंदर में ये अलग अलग लेयर होती है, इन लेयर का नाम कहां कहां पे कौन सी लेयर होती है, प्रेजेंट होती है। अगर ज्यादा ना याद रहे ना, तो आपको ये जरूर याद रखना कि हमारे वायुमंडल में, हमारी पृथ्वी से 88 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर का जो दायरा है, उसमें एक चीज पाई जाती है, वो होती है क्या, मॉलिकुलर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन उपस्थित होती है, ठीक है, याद रखोगे। दूसरा आप याद रखोगे कि 200 किलोमीटर से लेकर 1125 किलोमीटर तक ऑक्सीजन होती है, और ये ऑक्सीजन जो है सूर्य से किरणें आती हैं, और इन सूरज से आने वाली किरणों की अलग अलग रेडिएशंस होती हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है।
किरणों की और अलग अलग वेवलेंथ होती है, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के आधार पर इस दुनिया में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, गैस हो, धूल के कण हो, उनकी एक टेंडेंसी होती है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। देखो, जो जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा ना, और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अवशोषण, और अवशोषित जब होती है कोई भी चीज तो उससे तापमान क्या होता है, बढ़ता है। सूर्य की रेडिएशन, मेरे हाथ है, सूर्य की रेडिएशन इस पर पड़ेगी, मेरी बॉडी ने उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, मेरी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो एब्जॉर्प्शन ऑलवेज लीड्स टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो ऑलवेज रिमेंबर, एटॉमिक ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन 200 से लेकर 1125, इट एब्जॉर्ब अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है, इट एब्जॉर्ब अ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ एक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, और इसी वजह से इस इलाके में टेम्परेचर क्या होता है, आपका इंक्रीज होता है, और इसी को हम बोलते हैं, यही वो इलाका है जिसको हम बोलते हैं थर्मोस्फेयर। इसको आगे जाओगे तो आप आयनोस्फेयर भी बोलते हैं। इसी तापमान की वजह से आपका आयन मंडल का निर्माण हो जाता है, और इसी आयन मंडल की वजह से आपका कम्युनिकेशन पॉसिबल है। ये मैंने अभी यहीं पर बता दिया, ये आगे आएगा, लेकिन मैंने बता दिया तो आप थोड़ा दिमाग में रखना, ताकि एक आइडिया यहां से रहे आपको, और जब मैं आगे पढ़ाऊंगा उस वाले पार्ट में आऊंगा तो आपको ऑटोमेटिक वो चीज बहुत अच्छे से क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, ओके की रिपोर्ट है कि नहीं है, बताओ, बताइए दोस्तों, ओके की रिपोर्ट है कि नहीं है। नहीं यार, गोल गोल तो नहीं घूम रहा एंजल यादव, यहाँ तो बिल्कुल ओके चल रहा है। ठीक है, आपका हो सकता है इंटरनेट का प्रॉब्लम हो जाता है यार, एक ब्रॉडबैंड लगवा लो। देखो, मोबाइल में इंटरनेट डलवाते हो 500-600 रुपए का ना, 500 या 600 रुपए का रिचार्ज होता है मोबाइल के अंदर में, है ना, 300-400 रुपए से आपके इंटरनेट लग जाते हैं ब्रॉडबैंड, घर में वाईफाई लगवा लो, 300-400 रुपए में लग जाता है वो, पर मंथ का है, ठीक है, BSNL का है, कोई भी लगवा लो जिसकी 50 Mbps के आसपास स्पीड हो, ठीक है, तो वो आपको हेल्पफुल रहेगी, वो आपके लिए सही रहेगी, ठीक है, वो आपके लिए मददगार रहेगी, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये कर लो यार, है ना। मेरे स्टूडियो के अंदर मधुमक्खी आ गई, कहाँ से आ गई यार, भाई ये लड़ेगी मेरे, थोड़ी देर रुक जा, क्लास कर लेता हूँ, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है, फिर बताएंगे। ये भी कॉन्सेप्ट समझने आई है, नहीं अरे 6-7 ब्रेक ही रहेगा, 6-7 ब्रेक रहेगा, बट 6-7 में क्या है ना, एक्चुअली मेरी आज 2 बजे क्लास नहीं होती तो मैंने लगा दी थी, अब से ब्रेक ही रखेंगे, 6-7 ब्रेक रखेंगे, चिंता मत करो, ठीक है, 6-7 आपका ब्रेक रहेगा, बिल्कुल भी दिक्कत मत लो। आपका वो कोर्स डिज़ाइन ही मैंने ऐसे किया है ताकि ब्रेक भी मिले बच्चों को, आराम से पढ़ने का, खाने पीने का ब्रेक मिले, और ब्रेक के बाद काम हो, है ना, तो उस पर मेरा पूरा पूरा ध्यान है, आप चिंता मत करो। अब ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है आपको या नहीं है? अगर कोई रिपोर्ट है, मतलब कुछ लग रहा है कि सर कुछ दिक्कत है, कोई समस्या है, तो मैं आगे कराऊं, ठीक है, मैं उसको देखूं। मेरी बात, आपकी बात मेरे तक पहुंच गई है, पीसफुल वर्ल्ड, आपकी बात मेरे पास पहुंच गई है। मारना मत सर, नहीं नहीं मारूंगा क्यों भाई, नहीं मार रहा यार, ऐसा नहीं मार रहा, मारूंगा नहीं यार, मैं उसको उठा के बाहर फेंकूंगा यार मैं, लेकिन अगर इसने मेरे को काट लिया भाई, तो अगर इसने मेरे को काटा तो समझ लो एक क्लास फिर शरीर के निचले भाग पे काटा तो ठीक है, लेकिन अगर इस हिस्से से ऊपर इसने मेरे को कहीं काट लिया तो समझ रहे हो ना, फिर क्लास फिर भी नहीं चलेगी क्लास रुक सकती है आपकी यार, नहीं मारूंगा मैं, नहीं मारूंगा। अच्छा है, वाईफाई है बट अच्छे से नहीं चलता, ओके ओके, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, क्या कर सकते हैं, अभी आपकी समस्या मेरे तक आ चुकी है, बट मेरे से जो बनेगा मैं आपके लिए कर सकता हूँ। यहाँ तक बच्चों क्लियर है, एक बार जल्दी से अगर क्लियर है ना तो कमेंट बॉक्स के अंदर में आप ओके की रिपोर्ट रहने दो, आप कुछ छोटा वर्ड बटन टाइप कर दो, आप एक काम करो, ओके है तो ओके टाइप कर दो, जल्दी से ओके टाइप कर दो, ओ और के, तो मेरे को समझ में आ जाएगा, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक मुझे समझ में आ जाएगा, क्लियर है, जल्दी कर दो यार एक बार फटाफट से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं चाहता हूँ कि बच्चों को समझ में आए, मैं नहीं चाहता कि किसी को भी समझ ना आया हो, तो मिस नहीं होना चाहिए। जल्दी 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 बताओ, जल्दी, ओके है ना, ठीक ठीक, चलो चलो चलो, सबको आ गया समझ में, सबको आ गया समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं आपका। अब देखो, ये हमने पढ़ लिया कहां पर क्या होता है, अब आते हैं दोस्तों थर्मल स्ट्रक्चर। अब थर्मल से नाम क्या आया, थर्मल का मतलब है दोस्तों तापमान के आधार पर,
तो हम जो है वो तापमान के आधार पर भी आपके एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल को क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। अब तापमान के आधार पर दोस्तों हम चार प्रकार से विभाजित करते हैं, कौन कौन सा होता है। सबसे पहला होता है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो होता है ये आपका सबसे पहला भाग है, देखो यहां पे दिख रहा है आपका दोस्तों ट्रोपोस्फेयर। और ट्रोपोस्फेयर की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों ये जीरो से लेकर एवरेज 10 किलोमीटर तक हम इसको मानते हैं। वैसे अगर आप देखोगे ना तो ये सबसे सबसे कॉन्ट्रोवर्सियल चीज है, इसमें किलोमीटर का हर जगह डिफरेंस मिलेगा, बट जो मैं बता रहा हूं वो सही है। ट्रोपोस्फेयर जो है ना इसमें दिक्कत क्या है दोस्तों, ये पोलर एरिया के ऊपर जो ध्रुव होते हैं ना पोल्स, पोल के ऊपर इसकी ऊंचाई जो होती है दोस्तों वो होती है जब 0 से 7 किलोमीटर के आसपास। लेकिन अगर मैं इक्वेटर के अंदर बात करूं, ध्रुवों के आसपास अगर मैं छोड़ के अगर मैं भूमध्य रेखा के आसपास बात करूं तो इसकी ऊंचाई होती है 0 से लेकर 18 किलोमीटर। तो आप कहने का मतलब क्या है कि भूमध्य रेखा पे ज्यादा ऊंचा होता है ना, और यहां पे कम होता है, तो हमने एवरेज कर लिया। यहां तो 0 से 7 है, यहां 0 से 18 है, तो हमने एक एवरेज ले लिया 0 से 10 किलोमीटर, है ना। तो ट्रोपोस्फेयर जो है अगर आपसे कोई कहे तो आप बोलोगे 0 से लेकर 10 किलोमीटर। जो मैं कह रहा हूं वही बात याद रखना, अलग अलग किताब में अलग अलग जगह पे अलग 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 ज्ञान मिलेगा, लेकिन किसी भी ज्ञान पे ध्यान आपको नहीं देना है। दूसरे नंबर पर आता है स्ट्रेटोस्फेयर। हिंदी में भी बच्चे पूछ रहे होंगे, हिंदी में मित्रों देखो इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। वैसे अगली स्लाइड हिंदी की है, इसका नाम है दोस्तों समताप मंडल, इसको हम बोलते हैं समताप मंडल। इसके बाद अगर मैं आ जाऊं तीसरे नंबर पर, ये कहां से कहां तक है सर, समताप मंडल 10 से लेकर हम इसको 50 किलोमीटर तक मान के चलते हैं, 10 टू 50 किलोमीटर। इसके बाद मेरे पास नया मेसोस्फीयर, और मेसोस्फीयर को मैं क्या कहता हूं दोस्तों, मेसोस्फीयर को मैं मध्यमंडल के नाम से जानता हूं। और इसकी अगर मैं लंबाई अगर आपको बताऊं तो धरातल से 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक ये आपका उपस्थित होता है। इसके बाद होता है दोस्तों थर्मोस्फेयर, ठीक है। थर्मोस्फेयर को थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं, हिंदी में मेरे को इसका नाम आता नहीं, क्या बोलेंगे इसको। और ये जो होता है दोस्तों ये मान के चलो 80 से लेकर 450 किलोमीटर तक ये आपका उपस्थित हो सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक और होता है जिसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर को हम बोल देते हैं बाह्य मंडल, और बाह्य मंडल जो होता है दोस्तों ये 450 से लेकर कहां तक है दोस्तों, ये है प्रभु की इच्छा तक, ठीक है। ये कहां तक है, प्रभु की इच्छा तक, ठीक है। सो ये है आपका, ठीक है ना। तो ये है, तो यहां पर डिवाइड है 10 से मैं मान लेता हूं, दूसरा 50 होगा, तीसरा 50 से मेरे पास 80 होगा, फिर 80 से 450 और 450 से प्रभु की इच्छा तक, है ना। अब इनके अंदर में ये मैंने डिवीजन किसके आधार पर किया, देखो थर्मल, थर्मल का मतलब क्या है कि ये पूरा डिवीजन हम किसके आधार पर कर रहे हैं दोस्तों, टेम्परेचर के आधार पर। किसके आधार पर कर रहे हैं, तापमान के आधार पर, किस जगह तापमान कैसा है, कहां तापमान घटता है, कहां तापमान बढ़ता है। तो देखो ट्रोपोस्फेयर में ना जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, ठीक है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, हाइट को मैं किससे दिखाता हूं, ऑल्टीट्यूड से, है ना। हाइट मतलब ए ऑल्टीट्यूड, ऊंचाई। यहां पर हाइट और तापमान इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सासू बहू वाला रिश्ता बताया था ना मैंने। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तापमान घटेगा, 1 किलोमीटर ऊपर ऊंचाई पे जाते हो ना आप तो लगभग 6.5 डिग्री तापमान घट जाता है, जिसको हम बोलते हैं लैप्स रेट, लैप्स की दर। आगे पढ़ूंगा। यहां पर एक टाइम तक तो नीचे इसमें ना 0 से लेकर मान लो 20 किलोमीटर तक यहां पर तो क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होता है, बट फिर अचानक से जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तापमान बढ़ने लगता है। क्यों, क्यों भाई, क्योंकि इसके ऊपर वाली लेयर के अंदर में मेरे पास ओजोन उपस्थित होती है, और ओजोन क्या करती है, सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्प्शन से अचानक तापमान यहां पर बढ़ जाता है। मेसोस्फीयर में फिर से आता है, हाइट के साथ साथ तापमान फिर से घटता है। लेकिन थर्मोस्फीयर में देखो कितना है, 80 से 450, अब 80 से 200 के बाद क्या मिलेगी, फिर से ऑक्सीजन मिलेगी, O2, ये O2 फिर से क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगी। तो यहां पर अगेन दोस्तों जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा, तापमान फिर से बढ़ेगा, पता है ना ऐसा। तो ये डिटेल एनालिसिस होगा दोस्तों जो हम कब करेंगे, जो हम कल करेंगे, मुझे लग नहीं रहा कि आज हम कर पाएंगे क्योंकि समय हमारा समाप्त हो चुका है, है ना। जो हमारे सुजीत सर हैं वो भुने मुर्गे के साथ में आ चुके हैं। और गाइस कल से अपना एक नया कोर्स आ रहा है, और वो नया कोर्स है इंडियन ज्योग्राफी का, ठीक है। किसका है दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी। और ये कोर्स जो है ये कहां पर है दोस्तों, ये आपके प्लस प्लेटफॉर्म पर है, कल से आ रहा है। तो ये प्लस प्लेटफॉर्म पे आप कोर्स है ये ज्वाइन कर सकते हो। जिन बच्चों के पास होगा ना उनको एनरोल करना है, जिनके पास नहीं है दोस्तों उनको क्या करना है, उनको मेरा कोड है सुमित10, सुमित10 कोड यूज करके उनको क्या करना है, अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना है। किसी बच्चे को कोई डाउट है ना तो आप मुझे मेल कर दो, यहां पर मेरे को मेल करोगे कहां, sumitrathi3@gmail.com। यहां अगर आपको कोई भी डाउट है
गार्डियन एकेडमी सब्सक्रिप्शन, आप मुझे मेल करो, बस मेल में लिख देना सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सब्जेक्ट में क्या लिख देना, अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। और अगर कोई बच्चा अन अकेडमी से बात करता है, अन अकेडमी के जो एग्जीक्यूटिव है उनसे बात करता है, तो वहां पर भी वो मेरा नाम ले सकता है, उनको कहे कि सुमित सर, सुमित सर का नाम है सुमित कुमार, अन अकेडमी पे मुझे सुमित कुमार के नाम से जानते हैं। अब आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो अन अकेडमी, थोड़ा प्रोसेस बता देता हूँ, अब भागना नहीं, दो मिनट सुन के चलो जाओ। अन अकेडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर यूपीएससी सीएससी, ठीक है, ये तीन ऑप्शन मिलेंगे, जीएस दूसरा मिलेगा ऑप्शनल आपको, ठीक है, और तीसरा होता है कॉम्बो। देखो कॉम्बो का मतलब होता है इसमें जीएस भी आ जाता है प्लस ऑप्शनल भी आ जाता है। अगर किसी बच्चे को ये ज्वाइन करना है ना, तो मेरे टेलीग्राम पर, मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ना उसके ऊपर आपको इसका लिंक मैंने दिया हुआ है, सीधे जाइए और उस लिंक से क्या कर लीजिए दोस्तों, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, सुमित राठी यूपीएससी पे लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपको जीएस और ऑप्शनल लेना है, जीएस और ऑप्शनल के लिए आपको यहीं से क्लिक कर लेना है, जीएस पे जीएस और ऑप्शनल पे ऑप्शनल, या आपको मान लो अनअकैडमी के एग्जीक्यूटिव से बात भी होती है ना, तो आप उनको बोलो सुमित 10 कोड है हमारे पास, हम उसी को लगाएंगे, और उनको बताना सुमित कुमार। कई बार बच्चे सुमित राठी बोल देते हैं, उनको पता नहीं होता, वो कहते हैं ऐसा तो कोई टीचर ही नहीं हमारे पास, तो इसलिए ऑलवेज यूज, क्योंकि वो सिस्टम में चेक करते हैं, मुझे जानते नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, तो वो सुमित कुमार डाल, सुमित राठी डालते हैं, उसमें कुछ नहीं आता। इसीलिए दोस्तों अगर कोई बच्चा अनअकैडमी में बात करता है तो उसको याद रखना मेरा नाम क्या रहेगा, सुमित कुमार, मेरा नाम क्या है, सुमित कुमार, ना कि सुमित राठी। अनअकैडमी ऐप पर, ऐप पर मेरा नाम ये है, मैं इस नाम से आपको मिलूंगा। इसके बाद अगर जीएस करना है जीएस, ऑप्शनल करना ऑप्शनल, इसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कोड। उसके बाद आपसे पूछेगा आपको प्लस लेना आइकॉनिक, आप प्लस लेना चाहते हैं प्लस, आइकॉनिक लेना चाहते हैं आइकॉनिक, फर्क क्या है दोनों में अभी बताऊंगा। आइकॉनिक का थोड़ा सा प्राइस ज्यादा होता है, प्लस का क्या होता है कम। ये एक साल की फीस है, ये दो साल की, ये तीन साल की, एक साल 44,000 रुपए में आपको मिल जाएगा, दो साल जो है दोस्तों ये आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 64,000 रुपए में, और तीन साल का जो है दोस्तों यू विल गेट दिस कोर्स ओनली 80,000 रुपए में मिल जाएगा। इन सबके लिए दोस्तों रेफरल कोड जो है ना, इस रेफरल कोड में आपको मेरा कोड यूज करना है जिसका नाम है सुमित 10, ठीक है, सो ऑलवेज यूज द कोड सुमित 10, सुमित 10 आपको यूज करने, ऑप्शनल है, यहां पर भी डिस्काउंट मिलेगा 10% का, साथ ही साथ में यहां पर भी डिस्काउंट तो मिलेगा ही। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है गाइडेंस, गाइडेंस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप देखो किसके गाइडेंस में रहना पसंद करते हैं, कौन आपको, आपको लगता है अगर मैं आपको करा सकता हूं तो यार यूज करना है कोड सुमित 10। ये कॉम्बो कोर्स है, ये कॉम्बो आपका ऑप्शनल है, ठीक है, ये कॉम्बो का प्लस कोर्स है, इसका प्राइस है 70,000 रुपए एक साल, ये आइकॉनिक वाला इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन इसमें भी जब आप मेरा कोड डालोगे ये कोर्स आपको सिर्फ 63,000 रुपए, मतलब एक साल आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो 63,000 रुपए में, ठीक है, 63,000 रुपए में स्टडी कर सकते हो अपने घर पे बैठ के, और वो भी कितना दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 63,000 रुपए के अंदर मेरे साथ मिलके सुमित 10 कोड लगा के, ठीक है। नाउ दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन, दोस्तों मैं बता दिया प्लस में आपको पढ़ाया जाता है, आइकॉनिक में पढ़ाने के साथ साथ आपको दोस्तों एक पर्सनल कोच मिलता है जो डेली आपसे सवाल कराएगा, आपकी स्टडी को प्लान करेगा, आपसे फीडबैक लेगा, देगा आपको फीडबैक, कोई भी कोड करना हो सुमित, आपको आपको प्लस लेना हो आइकॉनिक लेना हो, किसी की बात नहीं सुननी, कोड सिर्फ सुमित 10 लगाना है, ठीक है, कोड क्या यूज करना है सुमित 10 यूज करना है दोस्तों, क्योंकि आप है मेरे स्टूडेंट्स, आप है गुरुकुल के स्टूडेंट्स, तो सभी गुरुकुल के स्टूडेंट्स को कोड क्या यूज करना है दोस्तों, सुमित 10, ठीक है। नाउ ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन, आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और अभी भुना मुर्गा स्टाइल के अंदर में हमारे सर जो है वेट कर रहे हैं, तो उनकी क्लास अटेंड करो, सारे बच्चे मुझे चाहिए, और 11 बजे अपनी क्लास होगी ऐप के ऊपर, तो ऐप के ऊपर आप सभी मेरे साथ में जुड़ेंगे। चलिए नाउ ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन दोस्तों, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।